नमस्कार दोस्तों, गोराणी लर्निंग सेंटर की ओर से आप सभी दोस्तों को दीपावली की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सोनी सेट में जो 3 टाइम रेड एलईडी ब्लिंकिंग की एरर आती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से सॉल्यूशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 टाइम ब्लिंकिंग सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें सर्विस मैन्युअल देखना होगा कि वहाँ पे कंपनी ने या मैन्युफैक्चरर ने उसके लिए कौन से सेक्शंस के फॉल्ट बताया हुआ है। तो नॉर्मली 3 टाइम ब्लिंकिंग के लिए यहाँ पर बी बोर्ड और जी बोर्ड लिखा हुआ है। अब ये जी बोर्ड और बी बोर्ड क्या हैं? तो ये पावर बोर्ड हैं और ऑडियो सेक्शन बोर्ड हैं। ये 2 बोर्ड में ये फॉल्ट हो सकता है। या तो ऑडियो सेक्शन जो हैं वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन एरर होती हैं तब भी ये फॉल्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ऑडियो सेक्शन चेक करना है। वहाँ पे आउटपुट स्टेज में जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनके ऊपर लगी कॉइल्स, स्पीकर, कैपेसिटर्स, कोई जिनर वगैरह या रजिस्टर्स ओपन या शॉर्ट नहीं है, वो हमें चेक करना है। बाद में हमें सप्लाई लाइन चेक करनी है और एरर मोड जो कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है उस लाइन को ट्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि गोराणी लर्निंग सेंटर की ओर से बनाई गई एंड्रॉइड डायग्नोसिस टर्मिनल एप्लीकेशन दुनिया में 19 कंट्रियों में सक्सेसफुली इंस्टॉल करके टेस्ट की गई है और यूजर्स ने 100% सक्सेस रेशियो का रिव्यू दिया है। दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल सा रिकवरी टूल गोराणी लर्निंग सेंटर की ओर से बनाया गया है। अब हम देखते हैं किस तरह से डीसी वोल्टेज मेजरमेंट से ये फॉल्ट को ट्रेस आउट किया जा सकता है। डीसी वोल्टेज जो इनपुट सप्लाई है साउंड सेक्शन का, वो सही है या नहीं? तो यहाँ पर मेजरमेंट एकदम सही आ रहा है 12 वोल्ट लाइन का और डीसी वोल्टेज 3.3, एरर आउटपुट जो 3.3 रखा गया है वो भी स्टेबल है, ओके है। यहाँ पे हमें सारे वोल्टेज स्टेबिलिटी और ओके के लिए चेक करने होंगे। ऑडियो आउटपुट जो स्पीकर के साथ में कनेक्शन करने के लिए कनेक्टर दिया हुआ है वहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज चेक करने होंगे, जो सप्लाई से हाफ VCC आना चाहिए वो भी बराबर है। सेकंड चैनल का सप्लाई वो भी बरोबर है। और उसका आउटपुट वोल्टेज, तो यहां पर हमें कोई खराबी नहीं मिली, न तो एरर डिटेक्ट पॉइंट पे, सप्लाई पे या तो आउटपुट पे। अब पावर सेक्शन चेक करते हैं तो मुझे सारे वोल्टेजेस बारी बारी से चेक करने होंगे। तो यहाँ पर मुझे USB के सप्लाई लाइन में खराबी मिली, जो USB का 5 वोल्टेज बक कन्वर्टर है वो एबनॉर्मल काम कर रहा है। वहाँ पर वोल्टेज अप डाउन होते हुए मेजर होने लगे। तो यहाँ पर भी कंपनी ने वोल्टेज डिटेक्शन के लिए सर्किट रखी हुई है। अगर हद से ज़्यादा, यहाँ पर मैंने मेजरमेंट किया हुआ है,
अगर ये 5 वोल्टेज 8 वोल्टेज के करीब पहुंच जाता है तब वो डिटेक्ट होता है फॉल्ट के लिए, तो हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो किस तरह से करें, तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर जो रबर सॉल्यूशन लगाया हुआ है वो हटाते हुए वहाँ के पार्ट्स चेक करने हैं, अगर कोई ख़राब कैपेसिटर या रजिस्टर हैं उसे बदलने हैं, और पूरी सर्किट को जो 5 वोल्ट बक कन्वर्टर सर्किट है उसे रिसोल्डर करना है। मेरे सेट में ये 5 वोल्ट की एरर से सॉल्व हुआ, हो सकता है आपके सेट में मेन बोर्ड के ऊपर बनाए गए अलग अलग जो वोल्टेजेस हैं वो खराब हो, तब भी आपको 3 टाइम ब्लिंकिंग एरर आ सकता है। तो ध्यान से सारे बक कन्वर्टर और रेगुलेटर आईसी के आउटपुट वोल्टेजेस चेक करने होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गोराणी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।